गजराज द्वारा मारी गई ट्विंकल कुमारी का किया जा रहा है अंतिम संस्कार। हजारीबाग में बीते दिन खिरगांव इलाकों में हाथियों ने ले ली थी 3 लोगों की जान। आपको बता दें कि सिरसी में कल शाम मंडप के पास ट्विंकल कुमारी को हाथियों ने मारकर घायल कर दिया था, जिनकी मौत इलाज के दौरान हो गई थी। ट्विंकल कुमारी सिरसी में अपनी नानी के घर में रहा करती थी और हजारीबाग लोअर बड़म बाजार वार्ड नंबर 27 में इनका मूल निवास स्थान है, जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं गजराज को मेलाटाड़ के आसपास कल शाम मंडराते हुए डेंगुरा की तरफ जाने की खबर मिली थी, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से गजराज फिर से सिरसी की तरफ देखे जा रहे हैं। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्कूल के बच्चों के लिए नोटिस भी जारी किया है। हजारीबाग से ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। कल शाम बहुत ही दुखद घटना घटी है, जो कि हमारे वार्ड के निवासी एक बच्ची जो नानी घर सिरसी गई हुई थी, वो हाथी के चपेट में आके अपना जान गंवा दी है। तो ये जो हाथी निकलने का बात है, वो कल दिन में ही पहले फर्स्ट हाफ में ही निकल गई थी। तो क्यों ना, हमको पता नहीं क्यों लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं शिथिल है, क्योंकि देख रही है जब एक हाथी निकल गई है, वो एक हिंसक रूप धारण कर चुकी है। तो क्यों ना वो एरिया को पहले से कर्फ्यू लगा के लोगों को क्यों खबर नहीं दिया गया कि वो लोग अपना घर से ना निकले। और अभी फिर पुनः सूचना मिल रही है कि वो एरिया में फिर से वो हाथी निकल गए, जो कि कल 5 जन का जान ले चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है डीसी महोदय से भी मेरा यही आग्रह है कि आप लोग जल्द से जल्द एक्टिव मोड में आइए और वो हाथी को जल्द से जल्द रुकवाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने 5 जान अभी तक गंवा चुके हैं। आगे और कितना जान गंवाएंगे, इसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। एक फैमिली ने एक बच्ची खोया है, वैसे और बहुत सारा फैमिली खो सकती है। और आगे हम ये भी बोलना चाहेंगे, ये कोई प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है, इसलिए इस बच्ची का जाने का गम हम सबको है, तो साथ ही साथ इनको एक बड़ा मुआवजा भी मिलना चाहिए। मैं सोनी छेत्री कृष्णा, वार्ड पार्षद 27, धन्यवाद।